अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल कश्मीर और मैं हूँ आपके साथ महविश जान। नाज़रीन, अभी हम श्रीनगर के पालपुरा एरिया में मौजूद है जो कि नूरबाग में पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल दिन को एक दिलदोज़ वाक़ा पेश है जिसमें एक औरत ने अपनी जान गंवाई, और वो इस वजह से हुआ क्योंकि उनके इनलाज ने उनकी हत्या करी। किस वजह से हत्या करी वो तो अभी तक वो पूरा राज सामने नहीं आ रहा है, और उसके बाद हॉस्पिटल में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। नाज़रीन, अभी हम इसी वाक़े के रिलेटेड यहाँ पर उनके कुछ नेबर से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है, कि क्या उनको कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था अपने इन-लॉज से, या कोई ऐसा उसी वक्त मसला पेश आया जिस वजह से उनके इन-लॉज ने उनकी हत्या कर दी। आप उनकी नेबर है तो आपको पता है कि कल शाम को उनकी हत्या कर दी गई है, क्या वजह है, क्यों की हत्या करी, क्या आपने कोई चीख वीख सुनी जब उनको मारा गया? ना, चीख नहीं मैंने सुनी, बस मुझे वहाँ से यमो कोर मैं आलो दप हम से यूर यमो मैं को मैं बस आई मन छ एम सी एम ये कातल छ कोर मैं छ पता एम सी छ चा कर आमत तो अस गई मम्मी तो गई अस चाय अंदर मीन मम्मी बहरी ना अंदर आसनस की हन व चाय अस अंदर मैं तुज दीदी अ खान के थम खान के तम सोस कोर त नेवर तम सोस या तो लोगमत वारिया ज्यादा तम सोस मतलब बद हालत तम सोस थोड़ा बहुत उस तम मतलब तम गलत है चामत कारण बचा मम्मी खस ते द्रम हलवाले ना मतलब आलो करने योर अस तो गड वड एन तो के छ त ये खालन अस्पताल मम्मी अन सारी बुलव गड कड़क मम्मी चाय तुजक दीदी तुजक तो ये खजक बंडस अम सुन द्रुई छुन मानन अमिस बंडस तो खालन किहन तो सोथ वापस बोन तो लाजान अति सबूत वबूत मिटावन साफ करन अति सुनू मैं खखर तो बे कड़ मैं चपात ना या कत सबूत मिटावन या कह तो वट एवर ऐस अंदर तो पत् खोल सह पव ये ब्याा बया तम कौर यह फोन कर्न यह कौर आ ब्या बया तम खोल सह जबरदस्ती गड़ तौर उस हेडवन वोमुत अतु चोलमुत कोरक सह तम सू नंबर ट्रेस वेस कोरक तो ओनक सह वापस पत् वो तम पान ये मोर मे अमिस वना मैं क्या कुरान शरीफस दि फश अम वो मैं चुक पागल मगर तथ पे कस ग कहें तो अम्स ओसमुत अमिस सलत कर क्या ओसमुत कर जबरदस्ती ओसमु कर तवकिन अमिस यह कतल कोरमुत ये वन विकस कि रिलेटिव ओसमु कतल कौर ये वन मेंटली ठीक गोमुत ये मेंटली ठीक ना सोच ठीक अगर सह मेंटली सह मे जॉब कर अगर सह मेंटली मे मोज दोह दोह चक मतलब सह शाम कड़ा चक्र ते मरहन तमिस पे भरोस यीन वर्न बन मोर मोज मोर अम कि मोर विकस लूख कौर विकस डॉक्टर मायमून मोरमुत तो अमिस क्या बच्चे तम मगर तम कैसे फैमिली मदर दोम वरी खानर चलान अमिस ज्यादा टाइम गो नमिस खानर क्या दोम वरी खानर चलान अम स बची अम सड़स गिंदान युद्ध बोर चायस पे डज मे अम स बची दीदी रटम खान सोत तमिस मोज तक खूनस त्रवान कल सह नीच तस भर सोरे तम स्रान कर तम खून स बाकी उस नात कहें तो बे खून शिठामुत अति कौर मे यमो आलो खून दौत दौत चुन गी गोमुत अति कौर मे यमो आलो तीस कालस कौर नो आलो तो कंस मकान सीज कौर पान रब लालमिन अगर मकान आ सीज कर सोरे बंद यम आ यल अद आये सो अमिस ये माम हे सो आये अद यह मे पान मकान ससन हमसायो कड़ वह अपील कर तमिस दी तो फोश सहुन बंद थान कह अगर सह बंद थान वनस पेचन अम सचन वार वार सारी अमिस सजा मिलान मरान कहें फोश दिवान कहें नार दिवान कहें अगर अमिस दिन नार तथ पे रोजन बाकी तो दूर। नाज़रीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर इन नेबर से बात की जो कि यहाँ रहते हैं, इनका बस अभी ये कहना है कि इनको ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ जिस वजह से उस शख्स ने इस लड़की की हत्या करी है। कि इनका ये भी कहना है कि अभी इनको 2 साल ही हुए थे शादी को, और जो इनकी बच्ची है जब बेवा का पेश है उसको अब उसके ननिहाल वालों ने लिया है। अभी इनका ये भी कहना है कि ये सब चीज़ें झूठ है, कि वो जो आदमी था वो मेंटली अनफिट था क्योंकि वो जॉब भी कर रहा था,
अगर कोई इंसान मेंटली ठीक ना हो तो ओबियसली वो कोई जॉब नहीं कर सकता है। लेकिन अभी तक ये यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इनको कब इंसाफ मिलेगा, इस लड़की को कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही वाक़े हमें दिन ब दिन देखने को मिलेंगे, जो कश्मीर के पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, वो अब अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टेंट्स से जो वालदैन होते हैं उनको डर लगा रहता है अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि उस लड़की का जो दिमाग था, ब्रेन था, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसका जो ब्लड था वो भी फ्रीज हो चुका था। अब हम उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया से और यहाँ के लोगों से कि इनको इंसाफ दिलाने में भरपूर मदद की जाए। देखते हैं अभी इनको इंसाफ मिलेगा, बाकियों की तरह इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे ग्लोबल कश्मीर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।